आज हम रेडीमेड कुर्ती में आस्तीन लगाएंगे। इसके लिए हम सैटून का कपड़ा लिए हैं आधा मीटर, और ये शिफान का कपड़ा लिए हैं, ये भी आधा मीटर है। ये चार तह है, एक साइड से खुला है, एक साइड जॉइंट है। ये दोनों कपड़े चार चार पीस है। कुर्ती हम लेते हैं अक्सर पसंद आती है, वो नहीं ले पाते हैं इसलिए कि उसमें आस्तीन नहीं लगा होता है। आस्तीन अलग से हम ख़रीद कर लगा सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आस्तीन लगाया जाता है। ये आप हाथ से भी लगा सकते हैं, मशीन से भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमने 8.5 इंच लिया है। ये मुड्ढे को इस तरह नाप लें और इस तरह नाप करके तब हम चौड़ाई ले लेंगे। इस तरह निशान लगा लें गोलाई में इसके मुड्ढे की, और ये थोड़ा सा हम अधिक लिए हैं, ये सिलाई में जाएगा। अब जितनी आपकी आस्तीन की चौड़ाई होगी उतना जितना रखना होगा उतना आप ले सकते हैं। हमें 10 इंच रखना है, हम 2 इंच बढ़ा कर लेंगे इसलिए कि यहाँ ज़्यादा थोड़ा सा कपड़ा रखा जाता है और सिलाई में भी जाएगा। ये इतना हम रखे हैं, थोड़ा अधिक लिए हैं सिलाई के लिए। इस तरह यहाँ निशान लगा लें और इसको स्केल के मदद से कर्व स्केल ले करके, ये पॉइंट वाला स्केल लगा है उसी से हम काटे हैं। आप कोई भी स्केल से भी तिरछा निशान लगा सकते हैं। ये पॉइंट काटने वाला स्केल है, पॉइंट में निशान इससे अच्छा से लगता है, इसमें आस्तीन भी अच्छे से बैठ जाता है। इस स्केल से यूज करने से आस्तीन का शेप बहुत अच्छा आएगा। और इधर हम आर्म होल वाले स्केल से निशान लगा रहे हैं, इससे भी बहुत अच्छा बैठता है फिटिंग, सिलाई भी अच्छा बैठेगा। अब इसकी कटिंग कर लें। अब हम कुर्ती के शेप जैसे गहराई है इस तरह आस्तीन में भी गहराई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बीच का निशान लगा लें। अब इसको सीधा कर लें। ये चारों पीस सीधा कर लेते हैं। ये ध्यान रहे कि दोनों एक ही साइड कटे, उल्टा सीधा हो जाएगा तो फिर इधर उधर होगा। और 1 इंच की गहराई लिए हैं हम, और इस तरफ बीच का हिस्सा मेरा यहाँ है, यहाँ से हम तिरछा लगाएंगे इस तरह, इतना छोड़कर ये 1 इंच की गहराई कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये 2 पीस ही काटना है, 2 अस्तर वाला और 2 ये ऊपर वाला, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, ये चारों ऊपर का काटना है, नीचे वाला नहीं। ये सीधा रहेगा, एक साइड इधर आएगा एक साइड उधर आएगा, बीच में अंदर दोनों सीधे हैं, ऊपर दोनों साइड उल्टे हैं। अब कटिंग कर लेते हैं इसकी। अब इसको सीधा कर लें, अलग अलग पीस कर लें इसकी, और इसको इस तरह सेट करने के लिए कपड़ा इधर उधर ना हो इसके लिए पहले हम बड़ी बड़ी सिलाई करेंगे।
इसके बाद जॉइंट करेंगे। अब इसकी सिलाई इस तरह करना है, इसको इस तरह सिल लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी सिलाई में। इसको जिसको सिलाई नहीं आता है वो भी सिल सकता है, इस तरह कर लेने से कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। जिसको सिलाई नहीं आती है वो भी सिलाई कर सकते हैं इसकी, इसको हाथ से भी सिल सकते हैं और मशीन से भी सिल सकते हैं। इस तरह सिल लेने से कपड़ा बिल्कुल सेट हो जाएगा। गर्ल्स अक्सर कुर्तियाँ तो लेती हैं मगर उन्हें आस्तीन लगाना नहीं आता है, इसके लिए वो टेलर के पास जाती हैं। आज के वीडियो में हम जो तरीका बता रहे हैं इससे आप आसानी से घर पर ही लगा सकती हैं। अब ये सिलाई हो गई, ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। ये देखिए सेट हो गया है कपड़ा। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह सिल लें, दूसरे आस्तीन को भी सिलाई कर लें। हम आपको दो तरीका लैस लगाने का बता रहे हैं। एक तरीका ये है कि इसको मोड़ करके ऊपर से लगाएंगे लैस इस तरह, और दूसरा तरीका ये है इसको अंदर से सिलाई करेंगे। पहले इसकी सिलाई इस तरह करना है, ये पूरा सिलाई कर लें इस तरह, सिलाई करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद चाहे तो आप लैस लगाएं चाहे सादा रखें। इसकी अंदर से सिलाई हो गई, अब इसको सीधा कर लें। सीधा करके इस पर आयरन कर लें इस तरह, ये बैठ जाएगा। ये उठा है दोनों ऊपर नीचे, आयरन कर देंगे तो बैठ जाएगा अच्छा। इस पर चाहे तो लैस लगाएं चाहे तो नहीं लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसकी सिलाई कर लें ऊपर से, ये बड़े बड़े सिलाई कर लें ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। अक्सर अस्तर के कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए पहले इसको इस तरह सिलाई कर लेना चाहिए। अब ये सेट हो गया है, इधर उधर नहीं होगा ये कपड़ा और आसानी से सिल सकते हैं। अब इसमें आप चाहे तो लैस लगा सकते हैं, हम लगा रहे हैं इसको। इसको हम 12 इंच रखेंगे, ये देखिए 6 इंच है, एक साइड का 6 इंच है, पीछे भी 6 इंच रहेगा तो सीधा 12 इंच हुआ। 12 इंच हम इसको काट लेते हैं लैस को, ये 12 इंच हो गया। अब इसको हम लगा लेंगे। अब इस तरह ये इतना हो गया, इतना करके इसके बाद लैस लगा कर सिलाई करेंगे। इस तरह पहले लैस लगा लें। अब इसको पलट कर सेट कर लें, जितनी आपको चौड़ाई रखनी है आस्तीन की उतना रख सकते हैं। उसके बाद इसके निशान लगा लें या ऐसे ही सिलाई कर लें, इस तरह सिलाई कर लें। अब ये कुर्ती के मुड्ढे से इस तरह नाप लें और निशान लगा लें। थोड़ा कम रहे ज़्यादा ना रहे, या तो बराबर रखिए या थोड़ा सा हल्का सा कम करिए,
लेकिन ज़्यादा होगा तो बैठेगा नहीं अच्छा, आस्तीन इधर उधर हो जाएगा। अब इसकी सिलाई पूरा कर लें। यह आस्तीन हम बड़ा बड़ा सिलाई करके आपको दिखा रहे हैं। आपको हाथ से सिलना है तो छोटा सिलाई करिएगा, नहीं तो मशीन से सिलाई करिएगा। इसके बाद इसको पलट लीजिए, सीधा कर लीजिए आस्तीन को। पूरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद सीधा करिएगा, इसलिए कि ये मुड्ढे में ज्वाइंट करना है। अब इस तरह सीधा करके इसको सेट कर लें। आस्तीन को मुड्ढे में ज्वाइंट करना है इसलिए उसको सेट कर लें पहले। इस तरह लगाकर सेट करना है। देखिए इस तरह लगेगा, ये बिल्कुल नाप का सही आया है। ये देखिए, अब इसको ज्वाइंट करना है तो पहले सिलाई से सिलाई मिलाएंगे इस तरह। अगर जो आपको सिलना ना आए तो आप कुर्ती में भी थोड़ा सा खोल सकते हैं और आस्तीन का भी खुला छोड़ देंगे। ये यहाँ का सिलाई थोड़ा सा छोड़ देंगे, इधर का सिलाई खोल देंगे। तो इस तरह लगाकर आप सेट कर सकते हैं। और ये सिलाई से सिलाई मिला करके ही, दोनों कुर्ती का और आस्तीन का मिला करके ही सिलना है, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। इस तरह सिलाई करना है। आप चाहें तो इस तरह आप सेट नहीं कर पाएंगे अगर जो डायरेक्ट, तो आप पिन लगा करके इसको जॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद सेट करके सिलाई कर लें। इस तरह आप नहीं कर पाएंगे तो पिन लगा लें, इससे सिलाई बैठ भी जाएगा और आसानी रहेगी। इस तरह आप पूरी सिलाई कर लें। कितना आसान है ये आस्तीन लगाना, देखिए बहुत आसानी से आस्तीन लगा के हम तैयार कर लिए। इस पर मशीन से या हाथ से सिलाई कर लें अच्छी तरह से। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।